लॉकडाउन 4 में मिली राहतों का असर अब दिखने लगा है। केंद्र सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस के बाद अब अलग अलग प्रदेश की सरकार की ओर से अपने यहाँ के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। वाहनों के संचालन को लेकर गाइडलाइंस क्या कहती है, चलिए जानते हैं। निजी वाहनों के लिए क्या है नियम। पूरे राज्य में किसी भी चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा दो ही लोग बैठ सकते हैं। अगर किसी परिवार में दो लोगों के अलावा बच्चे भी हैं, तो फिर दो बच्चों तक ही अनुमति दी गई है। दो पहिया वाहन के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को सफर की इजाजत है। हालांकि अगर पीछे महिला बैठी होगी तो मंजूरी होगी। दोनों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी है। वाहनों में सफर करने वालों को मास्क पहनना जरूरी होगा। राज्य में या फिर राज्य से बाहर किसी भी स्वास्थ्य कर्मी को रोका नहीं जाएगा। अस्पताल से जुड़े वाहनों को पूरी छूट है। क्या एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे? गृह मंत्रालय ने रविवार को जो गाइडलाइन जारी की, उसके अनुसार एक राज्य से दूसरे राज्य वाहन चलाने की अनुमति दे दी गई है। प्राइवेट वाहन के अलावा सरकारी बसों को अनुमति दे दी गई है। हालांकि इसके लिए दोनों राज्यों में सहमति होनी जरूरी है। उदाहरण के लिए अगर कोई दिल्ली से उत्तर प्रदेश आ रहा है तो दोनों राज्य की ओर से वाहनों के आने जाने के लिए अनुमति होना जरूरी है। क्या एक राज्य से दूसरे राज्य में बस जा पाएगी? गाइडलाइन के अनुसार राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्री वाहन बसों को अंतर्राज्य आवागमन के लिए अनुमति नहीं है। यानी अभी एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई बस सेवा या किसी तरह का ऐसा वाहन नहीं जा सकता जिसमें यात्री सवार हो। अगर किसी को उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश या बिहार या किसी अन्य राज्य में जाना है तो मुश्किल होगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इस लाइक को शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।